नमस्कार दोस्तों, कांग दिरंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कांग। मेरे यूट्यूब चैनल कांग दिरंग को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। मैं पिछले काफ़ी समय से इसी लोकेशन से आपको अच्छी अच्छी वीडियो भेज रहा हूं। इस वक्त मैं खेतों में खड़ा हूं। पीछे आप देख रहे हैं गेहूँ की फसल पककर बिल्कुल तैयार है, और उसके पीछे जो आपको हरे हरे ऊँचे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वो है पॉपुलर, जो कि लकड़ी उसकी काम आती है किसान के। तो इस तरीके से खेतों में इस वक्त पूरी तैयारी है धान की कटाई की। और आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, गुरबाणी की एक पंक्ति है, मानस के कछु और है, दाता के कछु और। ये बिल्कुल सही बात है। मनुष्य बहुत से प्लान करता है, सोचता है, लेकिन होता वही है जो परमात्मा करता है। और इस समय जो परमात्मा ने किया है आप सब जानते हैं। मैं बात कर रहा था कि इसको गेहूं को काटने की प्रक्रिया है। पीछे देख रहे हैं आप ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के ऊपर तैयारी, और पीछे गेहूं का जो ढेर लगा दिखाई दे रहा है। थ्रेशर से यहां पर इस गेहूं को निकाला जाएगा, और काफ़ी दिन भर कड़कती धूप के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग सोचते थे कि शायद दुनिया हमारे दम पर खड़ी है, जो पैसे के दम पर दुनिया को खरीदना चाहते थे, आज वो सब घरों पर छिपे बैठे हैं। बाहर हैं तो मेहनती कौन, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, हमारे रोज़ के काम करने वाले हैं। परमात्मा इन सब का भला करें, इसी तरीके से सबको रोजी रोटी पर लगाए रखें, जल्द से जल्द इस बीमारी से छूट मिले और ये देश आज़ाद हो। लेकिन सबका सहयोग सराहनीय है, और सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस लॉकडाउन में मदद की है। पीछे जो आप देख रहे हैं गेहूं का ढेर लगा है, अभी दो तीन दिन से यहाँ पर कटाई हो रही थी, और अब थ्रेशर चलाकर इस गेहूं को निकाला जाएगा। तूड़ी एक तरफ की जाएगी और थ्रेशर से गेहूं एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। एक बहुत ही तकनीकी तौर पर कह सकते हैं एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसका कि मैं हिस्सा बन रहा हूँ पिछले कई दिन से। ट्रैक्टर की आवाज़, थ्रेशर की आवाज़ आपके सामने है। आप इस समय देख रहे हैं किस तरीके से ये थ्रेशर चला है, और गड़गड़ाहट के साथ उसने अपना काम शुरू कर दिया है। लेबर है जो कि गेहूं की जो फसल काटी गई थी उसकी ढेरियां बनाई गई थी, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया गया है, और अब थ्रेशर में डालकर उसकी आगे की प्रक्रिया हो रही है, जिससे कि तूड़ी अलग हो जाएगी और गेहूं अलग हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल लेबर ही काम करती है। आप स्टेट ड्रेस में अभी देख रहे हैं, एक पीछे जो सज्जन खड़े हैं जो इस खेत के मालिक हैं, हमारे समधी सरदार गुरमीत सिंह जी बच्छल, वो दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि जो फसल पककर तैयार हुई है, परमात्मा की कृपा हुई है, उसको अब उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जाए। तूड़ी को बेचा जाएगा, धान बेचा जाएगा, यानी कि गेहूं बेचा जाएगा, और उसके बाद ये जो खेत खाली हुए हैं आप देख रहे हैं, इस खेत के अंदर एक बार फिर से फसल उगाई जाएगी। पॉपुलर के पेड़ भी लगे हुए हैं, और कुल मिलाकर एक साल भर की अनंत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किसान के लिए दिन भर और वर्ष भर खाली बैठने का कोई मौका नहीं होता है। यह है किसान की मेहनत, जो कि इस देश का अन्नदाता है। तभी तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। वाकई हम सब लोगों को सैल्यूट करना चाहिए लेबर को, किसानों को, जिनकी बदौलत आज भी हिंदुस्तान इस बड़ी संकट की घड़ी में स्टैंड स्टिल है, अपने स्थान पर खड़ा है और डट कर मुकाबला कर रहा है। जहाँ गेहूँ की ज़रूरत है, जहाँ राशन की जरूरत है, सब्जियों की जरूरत है, वो सब्जियाँ किसान यहाँ पर पहुँचाता हुआ। मेरे तकनीकी सहयोगी आयाना बच्छल और कैमरा पर्सन फतेह सिंह बच्छल के साथ अब कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।